हाजीपुर में नगर निगम द्वारा जनता से जमीनों के दाखिल खारिज पर 2% का शुल्क लिया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार जनता ने विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम द्वारा जमीनों के दाखिल खारिज पर लगाए गए 2% शुल्क को माफ नहीं किया गया था, जिसको लेकर काशीपुर के समाज सेवी दीपक वाली ने न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए शुल्क न लिए जाने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद काशीपुर में दीपक वाली ने पत्रकारों से वार्ता की और न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को लोगों तक पहुँचाने के लिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर उनके द्वारा यह मामला न्यायालय के समक्ष रखा गया था, जिस पर न्यायालय ने जनता के हित में फैसला सुनाया है। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो 2% का दाखिल खारिज का नगर निगम जो दाखिल खारिज जनता से 2% का ले रहा है, उसके खिलाफ आपको पता है कि बहुत दिनों से जनता में मांग उठ रही थी, और उसी को मैंने समझने के बाद कि ये है क्या, और फिर उसमें देखा कि यार ये शुल्क जो लिया जा रहा है ये गलत है, इसको लेकर मैं माननीय न्यायालय जी की शरण में गया। आज से लगभग 15 दिन पहले PIL के थ्रू, जिसमें उसी दिन मेरी जो PIL थी उस पर न्यायालय ने ये निस्तारित किया, इसको ये कहते हुए कि आप इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेकर आ सकते हैं। मुझे इसमें वहाँ से जो न्याय मिलना चाहिए था वो मुझे मिला। उसके बाद मैंने इसमें ये देखा, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा भी, मेरी कोई फाइल इसमें नहीं लगी हुई थी कि जिसमें मुझे कोई फ़ायदा होने जा रहा था, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए मैं गया। तो मैंने उस आदेश के साथ, तभी मुझे ये लगा कि शक्ति अग्रवाल जिनकी फ़ाइल इसमें यहाँ लगी हुई थी, उन्होंने मुझसे संपर्क करा कि आप गए थे इसमें जिस आधार पर गए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ाइल यहाँ लगी हुई है जिसमें मुझसे डिमांड 2% शुल्क की गई है। तो मैं शक्ति अग्रवाल के नाम से ही दोबारा से हमने एक याचिका दायर करी, जो आज कोर्ट में हमारी याचिका को एडमिट कर लिया गया है, तो जिसमें मुझे उम्मीद है कि इसमें जो है जनता को न्याय मिलेगा।